से सामने आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रामनगरी को लेकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है रामनगरी को लेकर। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अयोध्या में बनेगा ओडीओपी म्यूजियम, रामकथा संग्रहालय में बनेगा ओडीओपी म्यूजियम। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामनगरी से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से रामनगरी को लेकर। अयोध्या में ओडीओपी म्यूजियम बनाया जाएगा, रामकथा संग्रहालय में ये ओडीओपी म्यूजियम बनेगा। मयूर इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर का रुख करते हैं। मयूर, एक बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से अयोध्या को लेकर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए जब से ये ओडीओपी योजना लॉन्च हुई है सरकार की, इसको एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ओडीओपी योजना के साथ जो जितने भी जिले हैं वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहां के जो लोकल कामगार हैं, उनको एक पहचान दिलाने के काम सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं, देश और प्रदेश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ओडीओपी को लेकर लगातार जगह जगह पर जो लोग अपना जहां पर मेले लगते हैं, तो ऐसे में अब म्यूजियम बनाने की बात कही जा रही है। अयोध्या में रामकथा संग्रहालय में अब ओडीओपी का म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पे रखे जाएंगे, कि देश विदेश से जो भी लोग वहां पर आए वहां के ओडीओपी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी करें और जो लोकल कामगार हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिले। क्योंकि जिस तरीके से अगर ब्रांडिंग प्रमोशन उसका होगा तो विदेशों में भी, क्योंकि अभी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उत्तर प्रदेश के ओडीओपी प्रोडक्ट्स लेकर वो विदेशों में गए थे, वहां पर देने का काम किया गया था। तो ऐसे में ब्रांडिंग प्रमोशन उत्तर प्रदेश के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं उनका करने का काम लगातार किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर म्यूजियम बनाया जाएगा तो जो भी लोग अयोध्या घूमने जाएंगे, रामकथा संग्रहालय पहुंचेंगे, वहां पे म्यूजियम में जाएंगे तो ओडीओपी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, तो ऐसे में जो लोकल कामगार हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी और जिस तरीके से लगातार प्रमोशन का काम किया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं एक नया रास्ता मिलेगा। ठीक है मयूर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।